मैं राजस्थान का बागड़ी प्रदेश डूंगरपुर बोल रहा हूँ। छोटे छोटे डूंगर पहाड़ होने के कारण मुझे डूंगरपुर के नाम से जाना जाता है। मेरा प्राचीन नाम डूंगरिया भील की ढाणी था। मुझे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है और मैं प्रसिद्ध हूँ मेरे भव्य बाणेश्वर धाम के लिए, जिसके बारे में आगे आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपको बता दूं, मैं हूं तो राजस्थान का भाग, लेकिन गुजरात के बिना और गुजरात मेरे बिना पूरा नहीं हो सकता। मैं डूंगरपुर आज आपको मेरे यहाँ का पूरा इतिहास और पर्यटक स्थलों के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा यहाँ का त्रिवेणी संगम बाणेश्वर धाम का मेला और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकर आप मुझे विजिट करने जरूर आओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं डूंगरपुर अगर मेरी स्थापना की बात करूं तो मेरी स्थापना 13वीं शताब्दी में राजा डूंगरिया भील ने की थी। रावल वीर सिंह ने भील प्रमुख डूंगरिया को हराया, जिनका नाम पर मेरा नाम डूंगरपुर पड़ा था। मैं डूंगरपुर अपने सुंदर ऐतिहासिक मंदिरों के लिए विश्व भर में जाना जाता हूँ। भारत का पहला महिला सहकारी मिनी बैंक भी मेरे ही शहर में स्थित है। मैं अपने ग्रीन ग्रेनाइट के कारण भी भारत में विशेष स्थान रखता हूँ। मेरे ही बाणेश्वर में स्थित है राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसके अलावा मैं राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला होने का गौरव रखता हूँ। मेरे शहर में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की हुई है, जो भागड़ के गांधी कहे जाने वाले भोगीलाल पांड्या ने 1944 में की थी। मैं डूंगरपुर अपने उदय विलास पैलेस के लिए प्रसिद्ध हूँ, जिसका नाम उदय सिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया था, जो बेजोड़ वास्तु शिल्प शैली का प्रमुख नमूना है। मेरे जिले में बागड़ की गंगा कही जाने वाली माही नदी बहती है। माही एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में ही निकल जाती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है और मेरे और बांसवाड़ा के बीच की सीमा भी बनाती है। यदि मैं यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियों की बात करूँ तो राज सिंह क्रिकेटर, जिनका जन्म मेरी ही धरती पर 1935 में यहाँ के राज परिवार में हुआ। मेरे महाराजा लक्ष्मण सिंह जी के वे छोटे पुत्र थे। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 16 सालों तक प्रथम श्रेणी का क्रिकेट खेला और करीब 20 सालों तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े रहे। वो दो कार्यकाल तक राष्ट्रीय टीम के चयन करता रहे और 4 बार भारतीय टीम के विदेशी दौरे का प्रबंधन किया। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 2009 को हो गई। मेरे डूंगरपुर के अगले महापुरुष हैं भोगीलाल पांड्या। उन्होंने 1944 में मेरे शहर में प्रजामंडल की स्थापना की। इन्हें बागड़ आदिवासियों का गांधी कहा जाता है। अगले हैं मेरे शूरवीर जनरल नाथ सिंह राठौड़। आजाद भारत के पहले लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी थे। ये सच्चाई को निडरता से सामने रखने वालों में से एक थे। ये मेरी धरती पर जन्मे मेरे इस निडर व्यक्तित्व को आज भी याद करके मैं फूला नहीं समाता। मेरे चौथे महान व्यक्तित्व वाले पुरुष हैं मेरे महारावल लक्ष्मण सिंह, का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अफ्रीका के जंगलों में शिकार के कारण ये मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और राजस्थान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ रावल लक्ष्मण सिंह जी के छोटे भाई नगेंद्र सिंह जी की। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग को 2 बार न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्हें 1938 में कामा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें साल 1973 में पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया गया था। मैं राजस्थान के प्रमुख शहरों से अपनी दूरी की बात करूं तो मैं डूंगरपुर स्टेट कैपिटल सिटी से 500 किलोमीटर, उदयपुर से 101 किलोमीटर, गुजरात के अहमदाबाद से 180 किलोमीटर, रतलाम मध्य प्रदेश से 185 किलोमीटर और नेशनल कैपिटल सिटी से 770 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूँ। मैं डूंगरपुर अगर मेरे क्षेत्रफल की बात करूँ तो मैं कुल 3,770 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हूँ। मैं राजस्थान का तीसरा छोटा जिला हूँ। मैं मेरी जनसंख्या की बात करूँ तो मेरे जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार 13,88,552 के आसपास नागरिक हैं। वहीं अगर बात करूं लिंगानुपात की तो मेरे जिले में 994 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों पर निवास करती हैं। यदि मेरे यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं की बात करूं
तो मेरे जिले में बागड़ी, मेवाती, गुजराती और मेवाड़ी तथा हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर मेरे महान रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करूं तो मेरे जिले की गाड़ियां RJ12 से रजिस्टर्ड होती हैं। आधुनिक राजस्थान की एकलव्य कही जाने वाली भील बालिका कालीबाई मेरे जिले के रास्तापाल से संबंधित थे। आपको बता दूं, मेरे जिले के चिखली ब्लॉक से कर्क रेखा गुजरती है। मेरे यहाँ की रामकड़ा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है, जो मेरे शहर में देखी जा सकती है। पत्थर से निर्मित खिलौने रामकड़ा कहलाते हैं। मेरे यहाँ के इस उद्योग का प्रधान केंद्र गलियाकोट में स्थित है। मेरे डूंगरपुर जिले में छोटे छोटे बहुत डोंगरे हैं, इसलिए भी मुझे डूंगरपुर के नाम से जाना जाता है। मेरे ऐतिहासिक डूंगरपुर से उदयपुर को जोड़ने के लिए वर्तमान में सोम नदी पर 50 करोड़ की लागत से पुल निर्माण किया जा रहा है, जो संगमेश्वर महादेव मंदिर के पास होकर उदयपुर को मेरे जिले से जोड़ेगा, जिससे मेरे यहाँ आने वाले पर्यटकों को और सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दूं, मैं राजस्थान की सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या वाला जिला हूँ। आपको बता दूं, मेरे यहाँ आदिवासी भील और मीणा जाति के लोग गाँव में देखने को मिलेंगे। दामोर जनजाति भी मेरे ही अंदर निवास करती है। मेरे यहाँ के जंगलों में महुआ नाम की देशी शराब भी बनाई जाती है। जब महुआ के पेड़ पर फूल उगते हैं तो बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक महुआ के फूलों को बीनते हुए आप देख सकते हैं और उसके बाद उस पर महुआ जाती है। मेरे यहाँ के लोगों के लिए होली यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण और उत्साहित त्योहार है। होली के 15 दिन पहले ही ढोल बजाए जाते हैं और शाम को किसी भी मंदिर या चौराहे के प्रांगण में लड़के लड़कियां नृत्य करते हैं, जिसे गहर नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं, आज शिक्षा मेरे इन्हीं आदिवासियों में बढ़ रही है। स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा दिखेगी। सबसे ज्यादा मेरे बच्चे यहाँ पर शिक्षक, शिक्षिका और पुलिस में भर्ती होने की रुचि रखते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे पर्यटक और दर्शनीय स्थलों की ओर। सबसे पहले चलते हैं बाणेश्वर धाम की ओर। मेरे मुख्य शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मेरे इस मंदिर में। इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बना है, जिसे मेरे यहाँ के निवासी और पर्यटक त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं और इसे भागड़ के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लगने वाले भव्य मेले में आपको आदिवासियों के कई रूप, नृत्य और मनमोहक छवियां देखने को मिलेंगी। बाणेश्वर धाम में लगने वाला यह मेला मेरे आराध्य प्रभु शिव को समर्पित है। श्रद्धालु जल में डुबकी लगाकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करने को आतुर रहते हैं। मेले के साथ साथ देव दर्शन, खरीदारी के सामान, आदिवासियों के औजार, अस्थि विसर्जन, खूबसूरत पनघट घाट आदि देख और खरीद सकते हैं। माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक यहाँ का मेला लगता है। हो सके आप जरूर इस मेले का आनंद उठाएं। भगवान शिव के मुख्य मंदिर में दर्शन करते हुए आप शिव मंदिर के पास ही भगवान विष्णु का मंदिर है, वहां भी दर्शन अवश्य करें। मेरे इस मंदिर का निर्माण 1793 में हुआ था। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान कृष्ण के अवतार मावजी ने ध्यान लगाया था, जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित गेब सागर झील के ऊपर से पैदल चलकर बाणेश्वर धाम पहुंचे थे। यहाँ पर एक और मंदिर भी है जो ब्रह्मा जी को समर्पित है, वहां आप जरूर जाना। अब मैं आपको मेरे संग्रहालय लिए चलता हूँ, जहां पर आप आदिवासियों के तत्कालीन बागड़ प्रदेश के इतिहास की जानकारी, विभिन्न स्थानों से प्राप्त पाषाण प्रतिमाएं, प्राचीन सिक्कों का संग्रह देख सकते हैं। यहाँ पर बागड़ प्रदेश की संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। कई दुर्लभ वस्तुएं संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। मेरे इसी संग्रहालय का पूरा नाम है राजमाता देवेंद्र कुंवर राज्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र। अब आता है जूना महल। दर्शकों, ये महल पुरानी सदी का सबसे पुराना महल है। सफेद पत्थरों से बने से 7 मंजिला महल का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी विशालता को देखते हुए यह महल से अधिक किला प्रतीत होता है। इसका प्रचलित नाम पुराना महल है। इस महल का निर्माण तब हुआ था जब मेवाड़ वंश के लोगों ने अलग होकर मेरे यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था। महल के बाहरी क्षेत्र में बने अनेक जाने के संकरे रास्ते दुश्मन के बचाव के लिए बनाए गए थे। महल के अंदर की सजावट में कांच, शीशों और लघु चित्रों का प्रयोग किया गया था। महल की दीवारों और छतों पर मेरे शहर के इतिहास और 16वीं-18वीं शताब्दी के बीच राजा रह चुके व्यक्तियों के चित्र उकेरे गए हैं। आज मेरे इस महल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। इस महल में केवल वो मेहमान जा सकते हैं जो उदय विलास महल में ठहरे हों।
लेकिन मेरे हिसाब से ये मुझे गलत लगता है। लेकिन आज के प्रशासन के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संस्कृति सबकी होती है, किसी अमीर या गरीब की नहीं। अब चलते हैं केव सागर झील। इस झील के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में कई पंछी रहते हैं, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों को देखने में रुचि रखने वाले यहाँ आते हैं। झील के पास श्री श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कई छोटे छोटे मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर विजय राज राजेश्वर का है, जो भगवान शिव को समर्पित है। मेरी इसी झील के पास बना है बादल महल, जो मेरे यहाँ के पेरवा पत्थरों से निर्मित है। इस पर बेटी बचाओ के संदेश भी देखने को मिलते हैं। साथ ही मेरे जिले की हिस्टोरिकल चीजें भी इसी में संग्रहित की गई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इस महल की वास्तुकला मुगल एवं राजपूत वास्तुकला का मिश्रण है। इस महल में संग्रहालय देखने के लिए मिलता है। साथ ही आप उदयविलास पैलास भी निहारते हुए आना, जो कि गैप सागर झील के पास ही बनी हुई है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ नाना भाई पार्क एवं चिड़ियाघर। मेरे शहर का ये वाला पार्क भी गैप सागर झील के किनारे पर स्थित है, जो कि मुख्य शहर में स्थित है। आप इस पार्क में आसानी से पहुंच सकते हैं। यह चिड़ियाघर मेरे नगर परिषद के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस चिड़ियाघर में प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक आप आ सकते हैं और शाम को 5 से 10 बजे तक आप आ सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे पक्षी भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको तोते, कछुए, बतख, कबूतर, कनूर पक्षी, बजरी पक्षी, सन कनूर, कस्तूरी बतख देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर टॉय ट्रेन भी है, जिसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चे घूम सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पक्षियों के लिए घर बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे नाना भाई कौन थे, तो आपको बता दूं, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी स्मृति में 26 जनवरी 1956 को शहरवासियों को सबसे पहला पार्क अर्पित किया गया था। अब हम आपको लिए चलते हैं फतेहगढ़ी, जो कि मेरे जिले का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। मेरे स्थान पर आपको हनुमान जी के दर्शन करवा देता हूँ। फतेहगढ़ी भी मेरी गैप सागर झील के किनारे ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस स्थल से आप मेरे जिले का सुंदर दृश्य देखने के लिए आपको मिलता है। आपको यहाँ पर चारों तरफ मेरे पर्यटन स्थल देखने को मिलने वाले हैं। गैप सागर झील का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। मैंने आपको बादल महल के बारे में बताया था, वो भी यहाँ से देखने को मिलता है। फतेहगढ़ी में आपको रामायण के बहुत सारे दृश्यों की मूर्तियों का रूपांकन मिलेगा। यहाँ पर आपको एक झरना देखने को मिलने वाला है। मेरी यह जगह बड़ी ही सुंदर है और आप अपना अच्छा समय यहाँ बिता सकते हैं। यहाँ पर महंत संत स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी सी मूर्ति भी देखने को मिलेगी। रंगीन फाउंटेन, रंगीन लाइटों का आनंद भी आप उठा सकते हैं। यहीं से हम चलते हैं बर्ड सेंचुरी पार्क। इसमें कई तरह के फूलों को उगाया गया है। इस पार्क में आप गुलाब के फूल, इसके अलावा इसमें स्विमिंग पूल भी है और यहाँ पर मेरे शहर को देखने के लिए दूरबीन भी लगी हुई है और बांस को बांधकर भी सिटी व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ एक ही ऊंची पहाड़ी पर बैठी मेरी माँ धनमाता मंदिर, जो कि मेरे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ का यह मंदिर धनमाता पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर आपको धान माता मंदिर और काली माता के दर्शन करने को मिलेंगे। यह मंदिर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पर आपको प्राचीन विजयगढ़ किला भी देखने के लिए मिलता है, जो खंडहर अवस्था में पहुंच गया है। आप इस मंदिर में घूम सकते हैं। यहाँ पर सुंदर गार्डन बनाया गया है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ पर आकर आपको बड़ा आनंद आएगा। यहाँ से मेरे शहर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पार्क में आपको बहुत सारे झूले और मनोरंजक उपकरण देखने को मिल जाते हैं और बच्चे और बड़ों दोनों के बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पर शाम के समय सनसेट का भी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। मेरी माने तो आप यहाँ एक बार अवश्य जाना। श्री माधवराव मंदिर, ये मंदिर मेरे शहर के पास स्थित एक मुख्य ऐतिहासिक स्थल है। आपको यहाँ पर प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। यही मंदिर मेरे सुरपुर नामक स्थान पर स्थित है। आप यहाँ पर आकर इन मंदिरों को देख सकते हैं। यहाँ पर भगवान शिव जी और कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं, जिनके दर्शन आपके मन को हर्षित कर देंगे। अब चलते हैं गौरेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर मेरे जिले में सागवारा के पास देवड़ा बड़ा गांव में स्थित है। यह मंदिर मौरन नदी के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर आपको स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में गुजरात के महाराजाओं के द्वारा बनाया गया था। यहाँ कर मन को शांति मिलती है। यहाँ पर मौरन नदी का दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। आप यहाँ पर आकर
अच्छा अनुभव कर सकते हैं। मेरे बताए इन पर्यटक स्थलों के अलावा भी आप भुवनेश्वर महादेव मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सोम कमला अंबा बांध, बीरबाला कालीबाई पैनोरमा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आपको मेरे जिले में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे शहर की सैर की योजना बना रहे हैं तो आप सड़क, हवाई और रेल मार्ग के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। जो भी पर्यटक मेरे शहर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, निकटतम हवाई अड्डा डबोक हवाई अड्डा उदयपुर है, जो मुझसे 110 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मेरी सैर ट्रेन से करते हैं तो आपको बता दूं, मेरे जिले में रेल सेवा नहीं है, तो मेरा निकटतम रेलवे स्टेशन उदयपुर या फिर रतलाम है, जो कि देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप बस से मेरी यात्रा करते हैं तो राजस्थान के सभी जिलों से मेरे लिए बस उपलब्ध है। मैं डूंगरपुर आपको मेरे शहर में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरी आत्मकथा में आपको कौन सा स्थान सबसे सुंदर लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप पहले ही मेरी यात्रा कर चुके हैं तो अपना अनुभव कमेंट में लिखकर दूसरों का मार्गदर्शन करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।